अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए अल सौदा होटल, 5 स्टार होटल है मक्का में। इसमें हम रुके थे, हज पे आए थे। यहाँ से अल सौदा होटल से हरम तक कितना डिस्टेंस है ये आपको आप बता दें। देखिए माशाल्लाह, ये हमने चालू कर दिया है वीडियो। देखिए माशाल्लाह, ये रास्ता है, सीधा रास्ता है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। देखो अभी मालूम पड़ जाए कितना डिस्टेंस है। यहाँ से अभी हम चल रहे हैं, देखो ये आजू बाजू सब शॉप्स है, देखो होटल के नीचे ही शॉप्स है, और ये क्राउड जा रहा है और आ रहा है। देखो ये सीधा रास्ता है अल सौदा होटल, मक्का से हरम तक कितना डिस्टेंस है ये देखिए। हम जा रहे हैं, तो ये बस सामने बस स्टॉप है, और देखो सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता जा रहा है माशाल्लाह। ये देखिए अभी टाइमर तो चालू है, मालूम पड़ जाएगा हरम तक कितना डिस्टेंस है, कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, 6 मिनट लगता है, 7 मिनट लगता है, 7 मिनट लगता है। सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं माशाल्लाह। जो टैक्सी भी आ रही है, ये अजियाद रोड है, एक अजियाद रोड वो साइड है। देखो अजियाद रोड एक ये साइड है, एक वो साइड है। हम ये साइड के अजियाद रोड पर हैं माशाल्लाह। जो सामने बस स्टॉप है, यहाँ से अजीज़ा की बस मिलती है सामने से। ये देखिए जा रहे हैं, यू टर्न मार रही है गाड़ी, लेकिन अभी हमें सामने जाना है। एक क्लॉक टावर सामने ही दिख रहा है माशाल्लाह। ये देखिए क्लॉक टावर, यहाँ से टैक्सी भी हर जगह जाती है, अजीज़िया जाती है, इधर जाती है, हर जगह की आपको टैक्सी यहाँ से मिल जाएंगी। टैक्सी स्टैंड भी ऐसा है, कितना क्लीन रास्ता है माशाल्लाह, कितना क्लीन रास्ता है। अभी 2-3 मिनट हुए हैं, अभी तो हम पहुँचे नहीं है, पहुँच जाएंगे जल्द से जल्द। देखो सामने जो ये नई उल्लू गाड़ी आई है मक्का में, ऐसा है। हेलो, ये देखिए, ये देखो ये कौन सी होटल है, ये देखिए। ये मेरे लेफ्ट में बस स्टॉप है, और उसके थोड़ा आगे जो क्लॉक टावर है। अभी हम जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं माशाल्लाह, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या खूबसूरत मंज़र है, देखो ये खूबसूरत मंज़र है, इतना अच्छा लग रहा है, इधर चलना भी इतना अच्छा लग रहा है। धूप है लेकिन इतनी भी धूप मालूम नहीं पड़ रही, इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हरम अल सौदा होटल मक्का से हरम तक डिस्टेंस कितना है ये हम बता रहे हैं आपको। अल सौदा होटल से मक्का, अल सौदा मक्का होटल से हरम डिस्टेंस कितना है ये बताइए। देखो ये फंदो, ये अजियाद हो, ये सीधा जा रही है। बंगाली लोग बेचारे खड़े हैं, इनकी भी मेहनत को दाद देना पड़ेगा। धूप में खड़े रह के सफाई करते हैं, ये देखिए धूप में खड़े रह के सफाई करते हैं माशाल्लाह, इनकी भी दाद देना पड़ेगा। ये माशाल्लाह, ये देखिए अभी हम जा रहे हैं, इतना टाइम लगता है मालूम पड़ जाएगा हमको। देखो माशाल्लाह, देखो ये बंगाली भाई हमारे, कितना खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है, इतना भारी लग रहा है माशाल्लाह, इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो यहाँ पानी फ्री मिल रहा है माशाल्लाह, पानी देखो इतना फ्री डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो कि 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग इतना अच्छी पानी फ्री में पियो, फ्री सभी लीला माशाल्लाह। यहाँ बढ़ता भी बहुत है माशाल्लाह, रोशी है वो लोग। इधर सीधे सामने मेरे लेफ्ट में क्लॉक टावर है, और सामने देखो ये टेम्पो जो आ रही है, पानी है, तो पानी है पूरा भर के, और ये सब बाट डालते हैं, रखते ही नहीं है माशाल्लाह। लोग अल सौदा होटल मक्का से हरम तक कितना डिस्टेंस है ये देखिए, वो दिखा रहे हैं माशाल्लाह, ये दिखा रहे हैं। ये लेफ्ट में देखो नीचे बाज़ार लगा हुआ है, देखो नीचे बाज़ार लगा हुआ है सब, 10 रियाल 5 रियाल 10 रियाल 5 रियाल, बुर्का है, जुब्बा है, रुमाल है, तस्बी है, टोपी है, सब देखो ये सब बेच रहे हैं बेचारे। देखो ये सामने कुरान शरीफ मिल रहा है, हदिया देना पड़ता है उसका, और हदिया कुरान शरीफ लेते हैं पब्लिक, और हरम में जाके फिर सभी रखते हैं, और अपने मरहूमीन के लिए रखते हैं, ऐसा है। ये देखो सामने, देखो क्लॉक टावर है लेफ्ट में, और सामने हरम दिख रहा है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है। ये देखिए
ये लखनऊ में देखो बाज़ार लगाए, देखो ये 10 रियाल 5 रियाल खजूर है और इसमें फ्रूट्स है, देखो ये सब माशाल्लाह सब खरीदी कर रहे हैं। ये रस्ते में बाज़ार लगता है, सब सूडानी है, नाइजीरिया है, सब वहाँ की पब्लिक यहाँ बेचती है माशाल्लाह। अभी हम पहुँचने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं कुछ 2-4 मिनट में भी हम पहुँचने वाले हैं, 1-2 मिनट में। देखो कुछ दूर है, देखो ना माशाल्लाह दूरी है। ये दो सामने भी हम रम के पास आ गए, बहुत करीब आ गए, अभी हम पहुँचने वाले हैं माशाल्लाह अल सऊदा होटल मक्का से हरम तक कितना डिस्टेंस है, अल सऊदा होटल मक्का से हरम तक कितना डिस्टेंस अभी मालूम पड़ जाएगा हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है हर तरफ, देखो अल्लाह की रहमत बरस रही है माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत बरस रही है माशाल्लाह। अल्लाह सबको एक बार हरम ने बुलाया, अल्लाह पाक सबको बुलाया, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मक्का देखूँ मदीना देखूँ। अल्लाह खाली एक बार नियत करो अपने दिल से, अल्लाह पाक बुलाने लिखा था, अल्लाह ये पैसा नहीं है लेकिन अल्लाह गैर से मदद फरमा देता है, पैसे का बंदोबस्त हो जाता है माशाल्लाह। ये देखिए अभी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं, देखो माशाल्लाह अभी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं अल सऊदा मक्का होटल से। हरम तक का डिस्टेंस कितना है देखो अभी मालूम पड़ जाएगा, देखो माशाल्लाह। ये तो कुछ दूरी पे है अभी हरम का सहन अभी हम पार कर देंगे, हरम का सहन अभी हम आगे देखो सामने ही है माशाल्लाह। कितना मिनट लगा अभी, 6:50 हुए हैं, अभी मालूम पड़ जाएगा कितना है, ऐसा देखो मालूम पड़ जाएगा, देखते रहिए। देखो माशाल्लाह अभी आ गए हम, कुछ 1 मिनट की है सेकेंड की से पहले हम पहुंच जाएंगे माशाल्लाह। ये देखो अल सऊदा होटल मक्का से हरम तक का कितना डिस्टेंस हम बता रहे हैं, देखिए आ गए बहुत जल्दी आ गए हम, देखो माशाल्लाह पहुंच गए। हाँ ये देखिए आ गए, हाँ ये सामने देखिए हरम देखो दिख रहा है माशाल्लाह ये सामने। ये देखो अभी आ गए, कुछ सेकंड की बात है माशाल्लाह। ये देखो ये अज्जा दौड़े, ये साइड अज्जा दौड़े, ये सामने हरम, अभी हरम का शहर हम पार कर देंगे माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह कम से कम कुछ 7 मिनट लगे और 50-60 सेकंड लगे माशाल्लाह, हम देखो कदम रख दिए हरम में, 50-60 सेकंड लगे।